दरख सही बच्चा खजस्ता का फोन है, तुम्हारा पूछ रही है बच्चे। क्या पूछ रही है? जिंदा हूँ कि मर गया ये पूछ रही है? मरा ऐसे क्यों पूछेगी, वो तुम्हारा हाल पूछ लो, खुद से उससे बात कर लो। तबीयत का पूछ रही है, शहर के मरीजों को देखे ना, क्या उनसे फुर्सत मिल गई है? अच्छा छोड़ो गुस्सा, छोड़ो उससे बात करो, चलो शाबाश बच्चे। मोरे तुम जाओ। हाँ बोलो, तुमको शहर के मरीजों से फुर्सत मिल गया? कितनी बार बताऊं, मरीज नहीं देखती, अभी सिर्फ पढ़ रही। और तुमने क्यों पढ़ना छोड़ दिया? क्योंकि मेरा बाजू टूट गया, किताबें नहीं उठाई जाती मुझसे। पढ़ना क्यों छोड़ दिया? और तुमसे कौन सा इतना हुआ कि तुम मेरे पास आओ, मेरी खबर गिरी करने आके किताबों का पर्चा पलटती ताकि मैं पढ़ लेता? बढ़िया ही खबर लेने वाली। फोन पे खबर इसलिए लेती हूँ ताकि तुम दवा खाओ और ठीक हो जाओ, इम्तिहानों में बैठोगे, पास होगे, तभी तो आगे पढ़ोगे। खजस्ता, क्या मसला है तुम्हारा? खर्चे की फिक्र है, दरख्जाई की कोई फिक्र नहीं तुमको। कमाल करती हो। नहीं पढ़ना वरना मुझको कोई पर्चा वर्चा नहीं देना। और मेरी एक बात कान खोल के सुनो तुम, अगर मैं इल्म हासिल नहीं करूंगा तो तुमसे दस्त बरदार नहीं होऊंगा। किसी गलत फहमी में मत रहना। तुम मेरी इज्जत हो, मेरी गैरत, तुमको तो हासिल करके रहूंगा मैं। खजस्ता भी बहुत हवाओं में उड़े थे ना, तो अब देखना मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। एक बार बताओ, ये तुम्हारा कजिन ही है या तुम? या ही समझ लो, जब मेरे बाबा जा रहे थे इस दुनिया से तो मुझे उसके हवाले करके गए थे। वो जो उस दिन गेट पर आया था तुम्हें लेने के लिए? नहीं करो यार खजस्ता, वो तो बिल्कुल ही। बिल्कुल क्या? बिल्कुल ठीक है, वो वैसे ही है जैसे हमारे इलाके के लोग होते हैं, कोई ऐब नहीं है उसके अंदर सिवाय थोड़ा सा गुस्सा करता है और बस जिद्दी है। तो ये कोई कम ऐब है? तुम मुझे ये बताओ कि तुमने आज कॉलेज जाना है या नहीं? नहीं, तो मेरी प्रॉक्सी लगा देना प्लीज। मैं रोज रोज तुम्हारी प्रॉक्सी नहीं लगवाऊंगी, समझी तुम? अच्छा सुनो, वैसे मैं ये तुम्हें ना दरख्जई के साथ खुदकुशी करने की इजाजत नहीं दूंगी। हमारे इलाके में ये इजाजत सिर्फ हमारे बुजुर्ग देते। खुदा हाफिज़। बाय बाय। अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? तभी ठीक है आपके? गुड गुड, वेरी गुड। भाई जो ट्रीटमेंट मैंने आप लोगों को बताया ना, उसको आपने कंटिन्यू रखना है और उसके बाद मुझे फीडबैक भी देना है साथ, ठीक है? कीप मी पोस्टेड, ठीक? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये खजस्ता ने दिए तुम्हें? जी अभी देखी गई है, कह रही थी कहीं हॉस्टल में पड़ी भी थी। क्या हुआ, ठीक नहीं बनाई उसने? नहीं कुछ ज्यादा ही ठीक है, मेरी एक्सपेक्टेशन से भी कुछ ज्यादा। वाह ग्रेट, फिर तो आपको उसे दाद देनी चाहिए। कल बिला वजह इतना गुस्सा किया आपने उस पर, अपना बीपी भी हाई किया। अच्छा तो डॉक्टर हादी कल बीपी देख के मेरा डर गया और उस लड़की से कहा
कि जहां से मर्जी लाओ मगर लाओ। आखिर बेटा हूं मैं आपका, आपकी जान आपकी जिंदगी की फिक्र है मुझे। कल इस फाइल को लेकर इतना परेशान हो गए थे आप, मुझे बर्दाश्त नहीं हो। मेरा फख्र हो तो, मगर तब मुझे तुम पे गुस्सा आता है जब तुम मेरी बातों को इग्नोर करते हो और खामखा में टालते हो। कब टाली मैंने आपकी बात और कौन सी बात इग्नोर की बताएं मुझे। शादी की देखो आदि बेटा, ये शादी की बेस्ट स्टेज है और अभी मैं और तुम्हारी माम दोनों एक्टिव हैं, तुम्हारी खुशियां देख सकते हैं, तुम्हारे बच्चों को संभाल सकते हैं। बाद में हम बुढ़ापे में खुद को संभालेंगे या तुम्हारे बच्चों को दे। हाँ, एक तो आपकी सारी बातें घूम फिर के ये शादी के टॉपिक पे क्यों आ जाती। मैं अपने बीवी बच्चों को संभाल लूंगा, आप अपना बुढ़ापा सिक्योर करें। एनीवे आई हैव टू रन, ड्यूटी आवर शुरू हो रहे, यू हैव अ नाइस डे। हाय, हेलो, कैसी हैं आप? इतनी दूर से आते ला ला कर पुकारना अच्छा लगता है? इसमें बुराई क्या है, मैं तो सिर्फ रोक रहा था आपको। बाकी और 10 लोगों ने भी तो देखा है ना। तो बाकी सारे लोग एक दूसरे को ऐसे ही बुलाते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता? डॉक्टर आदि, मैं बाकी सब की तरह नहीं हूँ, मुझे फर्क पड़ता है। मुझे नहीं अच्छा लगता कि मुझे यूँ दूर से पुकारा जाए। अंदर मुझे इस तरीके से दूर से मत पुकारिएगा। ओके, हाय। इसी तरह खुश रहा करें, हम डॉक्टर्स जब खुश रहते हैं ना तो मरीजों का भी दिल खुश होता है। वैसे वो आपकी फाइल बन गई थी, मेरे डैड को कहा कि हॉस्टल से मिले। मगर आपने अपने डैड से झूठ क्यों बोला? क्योंकि मैं परेशानी देख सकता आप। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी से शुक्रिया? मतलब ये कि अभी तो बहुत तवील साथ है ना हमारा। हमारा डिपार्टमेंट ही ऐसा है, दुनिया के किसी भी कोने में हो अटैच तो रहेंगे। तो फिर शुक्रिया कहने के अभी बहुत सारे मौके मिलेंगे आप, है ना? वैसे आज तो एक कप कॉफी बनती है, प्लीज। आफ्टर यू। खुदा की कसम, हम अफगानिस्तान में था, मुझे तो रात को पता चला कि दरख्जई के एक्सीडेंट हो गए। बेचारा मरते मरते बचे। ऐसा कुछ नहीं, मामूली चोट आई, टायर फटने से बस उलट गई, मगर अल्लाह ने सबको बचा लिया। अल्लाह के दरख गई, ध्यान रख करो मड़ा अपना, आजकल पहिया तुम्हारा जान का दुश्मन बना है। मड़ा बस में क्यों जाता था? तो गाड़ी चाहिए, होम से लो ना, कितना गाड़ी चाहिए? जस्ता को लेने जाना है, इसको रोक लाना। बहराम खान,
तुमसे कितनी मर्तबा कहा हमारे घर के मामलात में दखल अंदाजी मत किया करो। अयादत करने आए थे, हो गई, अब जाओ। बार बार तुम्हारी तरफ सुलह का हाथ बढ़ाते हो, तुम चाहते ही नहीं कि कदम के साथ कदम मिलाए। इस काबिल तुम नहीं है कि तुम्हारे साथ कदम मिला के चला जाए। तो बाज, हाँ है हम तो बाज। इस घर में हमारा दो बेटी है और हम यही देखने आता है कि बदला वाली के साथ जो सलूक हो रहा है तो हो रहा है, किधर बड़ी वाली के साथ भी तो वो सलूक नहीं हो रहा। अच्छा ज्यादा दिमाग मत का, मोर बार सहन में बैठ, अपनी फूफी से मिलना है तो मिला, नहीं तो रास्ता ना। तुम्हारी वजह से इसको बर्दाश्त करो जाहिल को। बस मैं आपके साथ ही हूँ, कॉफी पीने आ गई तो मुझे गलत मत समझिएगा, दूसरी लड़कियों की तरह नहीं हूँ मैं। आपने मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचा? आपके बारे में तो नहीं पता, मगर आमतौर पे लड़कों की ऐसे ही राय होती है। लेकिन आप मेरे लिए आम नहीं है करिश्ता, बहुत खास। मैं आपके लिए खास नहीं होना चाहती, अपने लिए होना चाहती हूँ। खजस्ता दिलावर खान के लिए। वैसे आपने कभी बताया नहीं आपके फादर का इंतकाल कैसे हुआ। मेरा मतलब है कोई डिजीज या एक्सीडेंट? गोली लगने से। अब ये तो नहीं पता कि इंतकाल गोली लगने से हुआ या वक्त पर ना निकलने से, पर जब अस्पताल लेकर गए तो पता चला कि सारे डॉक्टर छुट्टी पड़ते। शहर लाते लाते डेथ हो गए। I'm sorry. माँ को किडनी प्रॉब्लम था। हमारे इलाके में गायनी के अलावा कोई फीमेल डॉक्टर नहीं होते। और किसी मेल डॉक्टर के पास ले जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। तो जब तक के सवाल जवाब होते हैं तब तक मौत का फरिश्ता आकर खड़ा हो जाता है। I'm really very sorry, Khujista. दुखी कर दिया मैंने आपको। दुखी नहीं हूं मैं, दुखी नहीं हूं, बस कोशिश कर रही हूं कि कोई और ख्वाजिस्ता अपना बचपन कब्रों पे पूल डालते हुए ना गुजार था।
फिर तो खजस्ता इस कोशिश में डॉक्टर आदि हमेशा आपके साथ खड़ा हूं। आपको कभी भी कहीं भी मेरी जरूरत होगी दूर नहीं पाएंगे मुझे, वादा है मेरा।